तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेजेस इंसेंटिव्स उसे कैसे समझा जा सकता है। वेजेस कैन बी डिफाइंड एज मनी पेड टू एम्प्लॉइज इन रिटर्न टू देयर सर्विसेज। दोस्तों, नॉर्मल अगर हम लोग डिफाइन करें वेजेस को, तो ये पैसा दिया जाता है जो वो लोग अपने को सर्विस देते हैं, जो एम्प्लॉय लोग सर्विस करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव सिस्टम वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द बेसिक वेज और सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय व्हेन हिज एफर्ट्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स। दोस्तों, ये वेजेस इंसेंटिव जो है ये कब बढ़ाया जाता है? जब किसी एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट्स होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो अच्छा होता है और कंपनी को प्रॉफिट करके देता है। एन इफिशियंट एम्प्लॉय विल बी पेड मोर एज कम्पेयर टू एन इनइफिशियंट एम्प्लॉय। दोस्तों, अगर किसी एम्प्लॉय की इफ़िशेंसी अच्छी है काम करने की, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसको अच्छी सैलरी मिलती है, उसको अच्छे पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, तो वेज इंसेंटिव इसे ही कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।